अरे अज्जू क्या कटक जा रहा है? हाँ। अरे पाठ पढ़ाने के बाद आज गांव लौटेगा क्या? हाँ। मेरा कहा याद है ना? आईना ना? हाँ सुना तो होगा, कल पुराना आईना टूट गया। हाँ मुझे तो याद है, वैसे भी गांव से आते वक्त यही बात सुमिति भाभी ने मुझे पहले ही याद दिला दी थी भैया। सच्ची? हाँ हरिया भैया, आईने की तुमसे सुमिति भाभी को थोड़े ज्यादा जरूरत है ना? अच्छा चलता हूँ। हाँ सच में मुझसे सुमति को आईना ज्यादा जरूरी है। क्यों भाभी क्या खाना बना रही हो? अरे कुसुम तुम इस वक्त कैसे आई? तेल कटोरी भर लेने आई थी, साग जरा पकाना है। बाबा के बाजार से सौदा लाते ही तुम्हारा तेल लौटा दूंगी। ओहो तेल की कटोरी चाहिए ना, परेशान क्यों होती हो? तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। पुराना आईना था ना, अचानक मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। अज्जू ने कहा है नया आईना कटक से ले आएगा वो। अज्जू? अज्जू कौन भाभी? ओ अपने अज्जू भैया। हाँ हाँ वो लड़का तो हमारे गांव का हीरा है। हीरा? ठीक कहा भाभी, आजकल इतने निस्वार्थ भाव से कौन काम करता है? वही तो, दिन रात उस प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में लगे है, गाँव वाले कैसे शिक्षित होंगे? मैं भी तो यही बात तुम्हारे भैया से कहती हूँ, ऐसे वैसे लोगों के साथ चाय की दुकान में गप्पे हाँकने की बजाय तुम उस केंद्र में जाकर पढ़ाई करो। पर ये मेरी बात सुनते हैं? नहीं नहीं भाभी, तुम हरिया भैया को जरूर वहाँ भेजो, जमाना आज कहाँ पहुँच गया है। अरे ऐसे अनपढ़ रहने से देश की उन्नति कैसे होगी भला? अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, उधर चूल्हा बुझ गया होगा। वैसे भाभी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अजय भैया को बोलूंगी, वो हरिया भैया को लेके केंद्र जाएंगे। मैं जाती हूँ। हाँ। क्या हुआ रे हरिया, काम के बीच में ऐसे क्यों बैठ गए? अरे कुछ नहीं, बस छाती में थोड़ा दर्द सा हो गया इसीलिए बैठ गया, और कुछ नहीं। सुबह क्या भाभी ने खाने को नहीं दिया? नहीं नहीं, सुबह तो चावल बड़ी की चटनी साग खाकर आया था। इतनी मेहनत से खाना पीना ठीक ना हो तो कुछ भी हो सकता है, क्यों रे गोबरा? हाँ जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं। हम तो मेहनत कश लोग हैं, शरीर यदि ठीक ना रहे तो। नहीं भाई तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा बय हो गया था लेकिन अब ठीक लग रहा है। ठीक ठीक बता, नहीं तो गांव के डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आज रात नौटंकी देखते हैं। नौटंकी कहाँ हो रही है? तुमने सुना नहीं, नारायणपुर के मेरे वाले मैदान में डेरा डाला है। सच्ची? हाँ आज एक नया नाटक होगा, तुम जाओगे ना? वाह मैंने कभी मना किया है, वो तो सुमति की वजह से थोड़ा दब जाता हूँ, ये बात यदि वो सुने तो चिढ़ जाएगी। सुमति भाभी को जरा पटा लो। ठीक है आज रात को तुम तैयार होकर रहना, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। अरे कितनी बार मैंने तुमसे कहा है दीवार पे कागज में गोंद लगाकर चिपकाने के लिए, क्या हुआ है मेरी बंडी को देख लो। ओहो मैं क्या कर सकती हूँ, मिट्टी की दीवार से मिट्टी लग गई, इसमें मेरा क्या दोष है? क्या दोष, चोरी और सीना जोरी। अरे अरे हरिया भाई भाभी घर में क्या महाभारत चल रहा है? देख रहा है अज्जू तेरी भाभी से कितनी बार कहा है उस दीवार पे कागज में गोंद लगाकर चिपकाने के लिए। हाँ। देख रहा है क्या हुआ मेरी इस बंडी को। अरे हाँ ये तो। अच्छा अब तुम ही बताओ अज्जू मैं कागज कहाँ से लेके आऊँ, खुद तो ये सब कर नहीं सकते और दोष हुआ मेरा। अच्छा ठीक है भाभी, तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस पोस्टर के जरिए, अक्षर दीप जलाएंगे साक्षर दीप जलाएंगे, लो
पकड़ो, इसको लेके दीवार पे चिपका दो, ठीक है? हमारे हरिया भैया का कुर्ता अब गंदा नहीं होगा और वो तुमको गाली नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर को देखते ही हमारे केंद्र में जाने की बात हरिया भैया को ठीक ठीक याद आ जाएगी। हाँ, ठीक कह रहे हो। हरिया भैया, हमारे केंद्र में थोड़ा आओ, पढ़ाई लिखाई थोड़ा करो। मेरी क्या जाने की इच्छा नहीं? अरे समय कहाँ है, आज बुआई तो कल कटाई, तो परसों खाद और नरसों धान कुटाई। हरिया भैया, काम छोड़कर आने के लिए तुम्हें कौन कहता है? हमारा केंद्र तो हर वक्त खुला रहता है, जब भी वक्त मिले आ जाओ। नहीं नहीं, अब के जाऊंगा। इनके साथ क्यों लगे हो तुम अज्जू? गप्पे हाँकने को समय है, नौटंकी देखने को समय है, और पढ़ाई के लिए समय। ओह, तू क्यों मामलतकार बन रही है? मैंने तो कहा है मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। भाभी ये लो तुम्हारा आईना, मैं आता हूँ। आता हूँ। अच्छा हाँ सुमी, मैं जा रहा हूँ, रात को आते थे देर हो जाएगी, तुम बाहर का किमाड़ बंद कर लेना। हाँ दस। दस लेके आया था लेकिन नौ है। हाँ नौ तो है, एक तो सुमति भाभी को दे आया था। सुमति यानी हरिया भाई की बीवी? समझ गया, एक पोस्टर तुमने नष्ट कर ही दिया। और अरे नहीं बाबा नहीं, हरिया भैया अगर पोस्टर को बार बार देखेंगे तो हो सकता है हमारे केंद्र में आने का निश्चय कर ले। निश्चय कर ले, इतना कहने पर भी तो ये फाटक नहीं पार किया। एक बार हरिया भैया आ गए ना, देखना उनके सारे दोस्त उनके पीछे आ जाएंगे और हमारे इस गांव को संपूर्ण साक्षर करने का जो अपना सपना है निश्चय ही सफल होगा। चलो चल। छाती के भीतर बहुत जोर का दर्द हो रहा है। चलो फिर घर चलते हैं। नहीं यार, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, नौटंकी छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। नहीं नहीं, सुबह भी तू ऐसे ही कह रहा था, ये नौटंकी वोटंकी ना देखने से हमारा क्या जाएगा। चलो उठो घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो 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 आ जाओ आ जाओ।
बाबू, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? हाँ, अभी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अजय, कल इनको कटक लेके जाना पड़ेगा भाई, और इन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मैं क्या ये सब कर पाऊंगी? मैं भला क्या करूँ अब? तुम क्यों परेशान हो रही हो भाभी? ये दायित्व मेरा है, हरिया भैया को लेके मैं कल कटक जाऊंगा। लिखा है रे, ये सब जानकर तुम्हें क्या लाभ? तुम तो लकड़ी का जगन्नाथ हो, कुछ ना जानने की कसम खाए हो जो। जैसे तैसे ही दिन निकल गए। गए कहां, कुछ नहीं गया। तुम अगर हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आते तो ऐसे कंडक्टर को, बस को, टिकट को बेवकूफ की तरह ना देखते। दो अक्षर पढ़ाई ना करने से ये सब दिक्कत है। अरे पढ़ाई क्या, बुढ़ापे में होती है भला। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम गांव में? हाँ सर, सब ठीक ठाक चल रहा है। और कैसे आए? सर ये हरिया प्रधान है, हरिहर प्रधान। अच्छा, अच्छा। हमारे गांव के हैं सर, खेती बाड़ी करते हैं। कल रात अचानक इनकी छाती में तेज दर्द हुआ। अच्छा, मैंने सोचा सर आपको एक बार दिखा दूं तो। हाँ। क्या नाम बताया आपने? हरिहर प्रधान सर। हरिहर प्रधान, कौन सा गाँव? कुसुपुर। कुसुपुर जी, कुसुपुर जी। उम्र कितना होगा? कितनी हुई उम्र? 43 साल। 43 साल। क्या हुआ था कल बताओ तो। मैं सर घास काट रहा था, अचानक इस तरफ थोड़ा सा दर्द हुआ। रात को फिर नौटंकी देखने गया था। अच्छा। वहाँ बहुत जोर से दर्द होने लगा। अच्छा, आपकी छाती में दर्द होता है। हाँ। चलने फिरने में थकावट होती है? हाँ थोड़ा थोड़ा लगता है। सांस लेने में मुश्किल लगती है? हाँ सर। और बीड़ी बीड़ी पीते हो? बीड़ी? मैं मजदूर आदमी। झूठ कह रहे हैं सर, बहुत बीड़ी पीते हैं, किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनते। मैं 1000 बार कह चुका हूँ। 8-10 तो पीता हूँ मैं। अच्छा अजय बाबू, मैं इनको देखता हूँ। हाँ, सब टेस्ट वगैरह होंगे। ईसीजी होगा? हाँ हाँ। ब्लड टेस्ट होगा? हाँ जी, हाँ जी। एक्सरे भी होगा? हाँ हाँ, ठीक है।
अच्छा अजय बाबू जी सर, हमने इनका सब टेस्ट कर लिया है, ईसीजी किया, परीक्षण किया, एक्सरे किया, हार्ट स्कैनिंग भी किया है जी। उसमें से हमें पता चलता है कि इनको दो तरह का हृदय रोग है, एक रक्त संचालन की वजह से जिसको कहते हैं इस्कीमिया डिजीज, और दूसरा है जोड़ों के दर्द की वजह से। और दुर्भाग्य से इस बेचारे को दोनों ही प्रकार के रोग हुए हैं जी। समझ गए, लेकिन दोनों ही प्राथमिक अवस्था में है जी। बीड़ी पीना ही खराब है जी, जोड़ों के दर्द से जन्मा रोग हुआ है, किंतु शुरुआती अवस्था में है। यदि हम उसके उपयुक्त दवाई खाएं तब भले चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दिखाता हूं क्या हुआ इनको, समझे? यह है हार्ट का चित्र, समझे? यह है वाल्व्स, इनके वाल्व में एक डैमेज हो गया है। हम उनको जब दवाई देंगे तो उनका रक्त संचालन बढ़ेगा, और वो वाल्व जो खराब है वो और खराब नहीं होगा, समझे? यानी दोनों का हम इलाज करेंगे। इन्हें बीड़ी छोड़ना होगा, और शराब वगैरह थोड़ा थोड़ा। नहीं 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 सर, वो नहीं सर, वो शराब वगैरह नहीं पीना। नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। और सब दवाइयां लेनी पड़ेगी जी सर, ठीक है जी। नियम से खाना मैंने सब लिख दिया है, अगर दिक्कत आए तो अजय बाबू से बोलना, वो बीच बीच में आके मुझे बता देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा नमस्कार सर। हाँ री, डॉक्टर बाबू ने जैसे ही कहा इनको कटक जाके दिखाना होगा, मुझ पर वज्र पड़ा। फिर अर्जुन ने बोला, तुम बिल्कुल परेशान मत हो भाभी, भैया को लेके मैं कटक जाऊंगा। सच में अजय भैया ने जो किया उसका ऋण तुम इस जीवन में कभी नहीं चुका पाओगी। सही कहा तुमने, बेसहारों का ऊपर वाला सहारा है। अच्छा हरिया भैया और अजय भैया आज वापस तो आएंगे ना? अज्जू तो कह रहा था उसको कुछ कटक में काम है, इनको शायद बस में चढ़ा के वो दोपहर बाद ही वापस आएगा। हरिया भैया। हाँ, तुम अकेले जा सकते हो ना गांव के बस में? क्यों नहीं, यहाँ से सीधा अपने गांव की बस है, यहाँ से बस में चढ़ूंगा सीधा गांव में उतरूंगा, परेशानी कहाँ है। नहीं नहीं सुनो, भाभी से कहना मैं शाम को काम खत्म करके लौटूंगा। हाँ आओ। अरे ओ अजय, क्यों रे? अरे दिनेश। जो भी कहो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ग्रेजुएशन के चार साल बाद, चार साल चार साल इतने दिनों बाद दिखाई दिए, कुछ ठंडा वंडा हो जाए। चलो और क्या हाल चाल है? बस ठीक चल रहा है यार। अच्छा बताए, कॉलेज में पतला सा लड़का था वो? बाबू ये बस कुशुपुर जाएगी क्या? अच्छा। अरे अरे भाई जरा रास्ता दो। अरे जाने दो, जाने दो, चलो यार। वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, टॉपर। बड़ा बोर करता था यार। अच्छा भाई मैं तो चलता हूँ। अरे बहुत बड़ी बात हुई, मुलाकात हो गई। नकली मुलाकात हो गई, फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। सुनिए, यहाँ कोई खड़ा था गवाई सा, किधर गया जानते हैं क्या?
देखा नहीं, पहली बस में चले गए होंगे। हरिया भैया कह तो रहे थे अकेले चले जाएंगे, शायद बस से चले गए होंगे गांव। बाबू किधर जाओगे? मैं कुसुपुर जाना है। कुसुपुर? हाँ, ये तो अस्तरंग जाएगी। अस्तरंग? बाबू कुसुपुर नहीं जाएगी। देख रहे हो बिल्ली, कह रहे हो बाघ। वाह भाई, अस्तरंग किधर, कुसुपुर किधर? तो अब मैं क्या करूँ बाबू? क्या करोगे, 2 रुपए दो और अगले चौक पे उतर जाओ, फिर कटक वापस जाओ। कटक से कुसुपुर के लिए बस लेके सीधे गाँव चले जाओ। हाँ लाओ, 2 रुपए निकालो। लो टिकट लो। ए रोक रोक, ए रोक रोक, गाड़ी रोक, बाबू उतरेंगे, रोक 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 रोक। हाँ बाबू, यहाँ से कटक जाने के लिए बस कितने बजे मिलेगी? तुम अभी कटक से आ रहे हो ना? नहीं बाबू, मुझे कुसुपुर वाली बस में जाना था, गलती से अस्तरंग वाली बस में बैठ गया मैं। कुसुपुर अस्तरंग कैसे हो गया? अरे बस पे लिखा होगा, पढ़ के नहीं चढ़े? 2 अक्षर ना पढ़ने से ये सब दिक्कत है, 2 अक्षर ना पढ़ने से ये सब दिक्कत है, 2 अक्षर ना पढ़ने से ये सब दिक्कत है। क्यों भाई? हाँ क्या सोच रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं कटक जा रहा हूँ, तुम्हें कुसुपुर की बस में बिठा दूंगा। हाँ, चलो चलो। दोष मेरा है, वो ना मैं दिनेश के साथ पान की दुकान पे जाता, ना हरिया भाई कहीं खोते। तो फिर अब क्या करें बाबू? वही तो सोच रहा हूँ, अब तो कटक जाने वाली बस भी नहीं मिलेगी, जो होगा अब कल सुबह ही। अरे देखो हरिया आ गया। है? क्या कटक के नाले में गिर गए थे? नहीं भाई, अज्जू मुझे कहीं छोड़कर चला गया, तो फिर एक बस आई, मुझे लगा ये कुसुपुर की बस है शायद, बस में चढ़ गया मैं। रास्ते में कंडक्टर बोला ये अस्तरंग जा रही है, मेरा तो हालत ही सूख गया। जो भी हो आ तो गए, नहीं तो सुमति भाभी सिर पीट पीट कर रोती रहती। रोती रहती माने? सिर्फ रोती रहती, 24 घंटे रोती रहती। ना क्यों भाभी? हरसई हरसई दीर्घई दीर्घई। अब आप लोग अपने आप लिखिए। ओ आ आ आ हरसई हरसई दीर्घई दीर्घई। लिख लिए? हाँ। ओ आ ओ में आकार देके आ पढ़िए तो। ओ में आकार देके आ। हुआ?
आकार देने से आ आ तुमने लिखा है हाँ दिखाओ तो लिखिए फिर से बोलो ओ ओ आ आ हरसई हरसई दीर्घई दीर्घई अर्कित भाई दिखाओ दीर्घई कैसे लिखी है अरे हरिया भैया आखिर में हमारे केंद्र में आ ही गए हाँ रज्जू तू जीत गया इतनी बड़ी दुनिया में चलने के लिए दो अक्षर पढ़ना बहुत जरूरी है